कैसे उस तरह के फसलों को बढ़ावा दिया जाना है, दलहन तेलहन को जिसमें कि पानी की कम खपत होती है। फलदार पौधे की बात करें तो साइट्रस प्लांट जो है, साइट्रस फ्रूट जो है, जिसमें कि संतरा आएगा, मौसमी आएगा, कीनू आएगा, नींबू आएगा, इस तरह के फलबाग को लगाने पे ज़्यादा प्राथमिकता देने के लिए मैं चाहता हूँ, उसको प्राथमिकता मिले ताकि वो कम पानी में भी अच्छा हो। और यहाँ का जो वातावरण है वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है, और यदि क्लस्टर में इसका प्लांटेशन होता है तो आने वाले समय में यह नागपुर, ये दूसरा, ये नारंगी का दूसरा केंद्र हो सकता है, कीनू का दूसरा केंद्र हो सकता है, और मौसमी जो है उसके रस का टेस्ट यहाँ दूसरे जगह जो होता है उससे बेहतर है, उसका ये सेंटर बन सकता है। सर, इन्हें 75 के लेकर आपने चर्चा किया सर, सड़कें बहुत ज़्यादा खराब हो गई है सर। अभी पिछले दिनों सर इन्हें 75 पर 2 छात्र डेथ हो गई एक्सीडेंट से सर। उसमें मैंने जो NHAI है उसके ऑफिसर को मैं बुलाया था, उसको मैंने टास्क दिया है। आज मैं जिला में भी जो भूअर्जन का प्रोसेस है उसका भी मैंने रिव्यू किया है। आने वाले दिनों में मैं क्लोजली इसका रिव्यू करूंगा ताकि कोशिश करूंगा कि यह सड़क जल्दी बन जाए और आम लोगों को इसका फ़ायदा हो। मैंने DTO को आज डायरेक्शन दिया है कि उस पर छापामारी करे, और इस तरह का यदि पाया जाता है कि अलग राज्यों से बिना परमिट का बस आता है और टैक्स की चोरी करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करो। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है सर, कि खासकर अगर देखा जाए कि आम जनता के लिए, उन लोगों को किसी कोई भी काम के लिए अगर आए हैं तो उनका जल्द से जल्द काम हो, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी सर, ताकि लोगों को परेशानी हो सर। तो इस पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह के काम में ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आम पब्लिक बहुत सारे काम के लिए आते हैं, प्रमाण पत्र बनवाना हो, म्यूटेशन कराना हो, लैंड का डिस्प्यूट है, कुछ इंदिरा आवास लेना है, PM आवास लेना है, उसके बाद आपको मनरेगा का छोटी छोटी योजनाएं हैं, तो उसमें जो ज़्यादा ग्रीवांसेस आते होंगे हम उपायुक्त से अनुरोध करेंगे कि उस पर थोड़ा सा विशेष मॉनिटरिंग की जाए ताकि कम से कम लोगों को आना पड़े और त्वरित निष्पादन खास हो। तौर पर यहाँ पर जमीन को लेकर और बाकी जैसे आचरण प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र होगा जमीन का मैंने उसको। बताया आपको कि बुधवार को यहाँ पे व्यवस्था है, DCSP ने डायरेक्शन दिया है कि ब्लॉक लेवल पे कैंप हो जिसमें थाने और अंचल के पदाधिकारी उपस्थित रहें। मैंने उसको और क्लोज मॉनिटरिंग हो इसके लिए गूगल लिंक मैंने कहा है बनाने के लिए जो DIO है यहाँ पे, और वो बना करके उसको हर वीक में रिपोर्ट लेंगे कि कितने लैंड डिस्प्यूट आए, कितना सॉल्व हुआ और कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ, और उसको DCSP पर वीक इसको रिव्यू करेंगे और फिर डायरेक्शन देंगे अंचल पदाधिकारी और थाना प्रभारी को ताकि इसका हल हो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उसमें कमी आ सके। लगातार छत्तीसगढ़ का बॉर्डर एरिया पर चाहे हो, चाहे UP का बॉर्डर एरिया पर हो, चाहे बिहार का बॉर्डर एरिया पर काम कर रही है वो पाइपलाइन का, तो अभी तक शुरू नहीं कर पाया अभी तक, कनेक्ट क्यों हो रहा सर, आपको 2 साल हो गया। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, हम जानकारी जिला से प्राप्त करेंगे और फिर अलग से उसको रिव्यू करेंगे। ज़्यादा मामला सामने आ रहा है, दिल्ली ज़्यादा कार्रवाई भी किया गया लगातार, अवैध बालू का ज़्यादा हुआ है मैंने बालू जिला का। माइनिंग पदाधिकारी को भी उस पर छापामारी करने का निर्देश दिया है और वो कार्रवाई करे और उसके लिए विशेष उसको हिदायत की गई है।